नमस्कार व्यास झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिनों के बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान नीतीश सरकार ने उनकी जमकर फजीहत करा दी है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं और उनका रोड शो खत्म हुआ है, उसके बाद वो पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे और इस दौरान पटना यूनिवर्सिटी में उनका घेराव किया गया। बता दें कि जो आयशा के छात्र हैं उन लोगों ने जेपी नड्डा का घेराव किया और इस दौरान उनको काला झंडा भी दिखाया गया, साथ में नड्डा गो बैक के नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, उनके विरोध का सामना भी करना पड़ा और बताया जा रहा है कि आयशा के छात्रों ने जेपी नड्डा का घेराव भी कर लिया। हालांकि इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बीजेपी बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है और ऐसे में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नीतीश सरकार की है। और ऐसे में आप सोचिए कि किस तरह की आखिर सुरक्षा की तैयारी की गई थी कि आज उनको इस तरीके से फजीहत झेलना पड़ा है और नीतीश सरकार ने जिस तरीके से उनकी फजीहत करवाई है, ऐसा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उनका घेराव किया है पटना यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से उनको काले झंडे दिखा गए, नड्डा गो बैक के नारे लगाए गए, उसके बाद से लगातार जो है वो नीतीश सरकार पे जो बीजेपी के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जो नीतीश सरकार है उसके खुफिया एजेंसी को इसकी भनक नहीं थी कि इस तरह की कोई भी घटना हो सकती है और नड्डा को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि जो ऐसा के छात्र हैं वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। बिहार दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की फजीहत तो उनके ही गठबंधन वाली सरकार ने करा दी है। बीजेपी बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है, इसके बावजूद नीतीश सरकार जेपी नड्डा की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं रख पाई। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आयशा से जुड़े छात्रों ने उन्हें काला झंडा दिखाया और थोड़ी देर के लिए जेपी नड्डा की सुरक्षा पर खतरा भी बनाया। इस दौरान जो सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात थे वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जेपी नड्डा के सुरक्षा कर्मियों ने ही हालात को संभाला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को जानने के बावजूद सुरक्षा का पूरा इंतजाम क्यों नहीं रखा गया? क्या बिहार की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक नहीं लगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध हो सकता है? वहीं एक तरफ बीजेपी बड़े आयोजन के साथ बिहार की जमीन से बड़ी सुर्खियां बटोर रही है तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पटना यूनिवर्सिटी में विरोध अचानक से चर्चा का विषय आ गया है। और ऐसे में पटना पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी इस तरह का विरोध हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार का सूचना तंत्र और गृह विभाग जो खुद मुख्यमंत्री के पास है वह इस मामले में कितना सतर्क था, इसे लेकर भी अब बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आयशा के छात्रों ने घेराव किया है, उनको काले झंडे दिखाए हैं और नड्डा गो बैक के नारे लगाए हैं और जिस तरीके से सुरक्षा में चूक देखने को मिली है, इससे नीतीश सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है और अब बीजेपी के जो नेता हैं वो भी नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।